आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बता दें कि तहसीलदार बुढ़नपुर के न्यायालय से पत्रावली गायब। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसीलदार न्यायालय से एक मुकदमाती पत्रावली गायब होने की खबर है। इस बात को लेकर प्रशासनिक अमला में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित ने जिलाधिकारी आजमगढ़ सहित उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को शिकायती पत्र सौंपते हुए पत्रावली न्यायालय के पटल पर उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। तहसीलदार न्यायालय में अशोक बनाम चंद्रिका तजवीज सानी का मुकदमा विचाराधीन है। पिछली तिथि 25 जुलाई नियत थी। अर्जुन शर्मा 25 जुलाई को अपने अधिवक्ता मिथिलेश सिंह के साथ न्यायालय में हाजिर हुए। पेशकार ने फर्दे काम पर 27 अगस्त तिथि नियत किया। अर्जुन शर्मा 27 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने पत्रावली पर अगली तिथि जानना चाहा, किंतु पत्रावली नहीं मिली। पत्रावली दिखाने के लिए उन्हें फिर दूसरे दिन 28 अगस्त को बुलाया गया, किंतु दूसरे दिन भी पत्रावली उन्हें नहीं दिखाई गई। इस बाबत एसडीएम अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पत्रावली खोजवाई जा रही है, यदि ऐसा है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि तहसीलदार बुढ़नपुर की स्वेच्छाचारिता के कारण महीनों से अधिवक्ता उनके अदालत का बहिष्कार कर न्यायिक कार्य से विरत हैं। न्यूज 9 भारत के लिए नूर मोहम्मद की रिपोर्ट। अर्जुन शर्मा, क्या समस्या है सर आपकी? समस्या ये है कि हम पटादम में ही निवासी पर हैं। हमारी एक पत्रावली तहसीलदार बुढ़नपुर के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें 25 जुलाई तिथि नियत थी। 25 जुलाई को जब मैं यहाँ आया तो देखा उसमें तहसीलदार बुढ़नपुर गलत तरीके से आदेश टाइप करवा के रख लिए थे, बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी डिस्कस, बगैर किसी आर्गूमेंट के। इसके बाद मैं अपने वकील के साथ गया, पत्रावली में हाजिर हुआ। उस दिन पेशकार ने 27 अगस्त को तिथि नियत किया। 27 अगस्त को जब मैं आया, पत्रावली अपनी खोजवाने लगा, तो पत्रावली 27 अगस्त से गायब है। इस बारे में तमाम खोजबीन के बावजूद पेशकार ये कहता रहा कि आज नहीं मिल रही है, कल आइए। आज फिर 28 तारीख को मैं आया, फिर भी पत्रावली नहीं मिली। इस पर मैंने जिलाधिकारी आजमगढ़ को टेलीफोन से सूचना दिया। उन्होंने आजमगढ़ बुढ़नपुर के एसडीएम को बताया। एसडीएम बुढ़नपुर ने कहा कि रुकिए, हम पत्रावली खुजवाते हैं। तो वो पत्रावली खुजवाने के लिए अपने स्टोनों से कहा, किसी भी तरीके से पत्रावली खुजवा कर आप उपलब्ध करवाइए। अब इसके बाद मैंने एसडीएम को एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया है कि पत्रावली किसी भी तरीके से अपनी कस्टडी में ले लें, अन्यथा तहसीलदार द्वारा उस पत्रावली में छेड़छाड़ किया जा सकता है और गलत तरीके से निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।